दिल्ली शराब नीति घोटाला केस में आरोपी आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह को सुनवाई के लिए दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। ईडी ने संजय सिंह को 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका लगाई थी। वहीं हाई कोर्ट ने 20 अक्टूबर को उनकी गिरफ्तारी बरकरार रखने का फैसला सुनाया था, जिसके बाद वे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। वहीं 11 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी को बेंच में मामला पहुंचा, तब कोर्ट ने इसे फरवरी 2024 के लिए सूची कर दिया।